बीरबल बादशाह अकबर के बेहद खास थे। वह अकबर के ऊपर आई सभी समस्याओं का हल कर देते, लेकिन केवल असल जिंदगी में ही नहीं बल्कि अकबर के सपनों की समस्याओं का हल भी बीरबल के पास होता था। अकबर बीरबल के किस्से में आज भी आपको बताएंगे ऐसे ही एक किस्से के बारे में जो अकबर के अजीब सपने से जुड़ा है। साथ ही इस कहानी से आपको यह सीख भी मिलेगी कि किसी भी बात को कहने का अगर तरीका सही हो तो बात सबको सही लगती है। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा। इस सपने के कारण वो फिर रात भर नहीं सो सके। वो बहुत बेचैन थे क्योंकि वो इस सपने का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए सबकी राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर अकबर से कहा कि जहांपनाह, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषियों की बात को सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से जाने का आदेश दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का क्या मतलब है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात को सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए। इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखो, बात तो वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखना चाहिए, तभी वह बात सबको सही लगेगी। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं अकबर बीरबल से जुड़ी आज की ये कहानी भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारी कहानी और हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।